अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास आज नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम और रोशीज़ थ्योरम इन दोनों से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखनी है और इससे आपको आइडिया होगा कि इन दोनों थ्योरम को किस तरह आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम से रिलेटेड हम चार पाँच क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखें, इसके अंदर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जी स्क्वेयर प्लस वन की पावर टू ओवर जी स्क्वेयर प्लस थ्री जी प्लस टू का क्यूब। आपसे कहा है आपने इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी का, वेयर सी इज़ द सर्कल, जी मोड इक्वल्स टू थ्री, टेकन पॉजिटिव सेंस। अब सबसे पहली चीज़ ये, आपको पता कैसे चलेगा आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। अब आप लोगों को अगर याद हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट करवाने के बाद मैंने बताया था कि उसके अंदर क्लोज्ड इंटीग्रल एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी इक्वल होता है टू पाई योटा एन नोड माइनस एन पी। एन नोड जो है वो नंबर ऑफ़ जीरोस को शो करवाता है, एन पी जो है नंबर ऑफ़ पोल्स को शो करवाता है। अगर आप इस फंक्शन पे गौर करें, अगर आप इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसका डेरिवेटिव लें ओवर फंक्शन से डिवाइड करें, तो ये आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन जाएगी जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बजाय इसके कि आप इसको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वे से करें, आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम जो है वो एक शॉर्ट वे आ जाता है कि आप लोग बजाय इसके कि इसकी इंटीग्रेशन करके इसे सॉल्व करो, आप लोग गिवन फंक्शन के नंबर ऑफ़ जीरोस निकालते हो, नंबर ऑफ़ पोल्स निकालते हो और उसके बाद उसे इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हो, तो आपकी इंटीग्रल का आंसर आ जाता है। नंबर ऑफ़ जीरोस और नंबर ऑफ़ पोल्स ये निकालना बहुत आसान है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर आपने नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने हैं, आप फंक्शन के ऊपर वाली टर्म को इक्वल टू ज़ीरो रखते हो, वहाँ से जो वैल्यू आती है जी की वो उसके नंबर ऑफ़ जीरोस होते हैं, और अगर आपने नंबर ऑफ़ पोल निकालने होते हैं आप उसके क्वेश्चन वाली टर्म को इक्वल टू ज़ीरो रखते हो, वहाँ से जो जी की वैल्यूज़ जितनी भी आती हैं वो उसके टोटल नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं। अब ये सारे का सारे नंबर ऑफ़ जीरोस नंबर ऑफ़ पोल्स आपने फंक्शन के निकालने होते हैं। और एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये जो आपको रीजन साथ में दिया जाएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास। ये चीज़ लास्ट में चेक करनी है कि क्या आपके सारे के सारे पोल, क्या आपके सारे के सारे रीजन जीरोस जो हैं वो आपके इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं। जो इस रीजन के अंदर लाई कर रहा होगा उसको हमने डिस्कस किया करना है, जो इस रीजन के अंदर लाई नहीं कर रहा होगा उसको हमने स्किप कर देना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कॉशी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ पोल या नंबर ऑफ़ जीरो रीजन के अंदर लाई नहीं करता उसका इंटीग्रल इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर वन में, क्योंकि स्टेप नंबर वन में आपने नंबर ऑफ़ जीरोज़ और नंबर ऑफ़ पोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर वन स्टार्ट होता है। सोल्यूशन में मैंने लिखा है फर्स्टली वी कैलकुलेट जीरोज़ ऑफ एफ ऑफ जी। सबसे पहले हमें अपने गिवन फंक्शन के नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जीरोज़ को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, हमने न्यूमिनेटर वाली टर्म लेनी होती है, उसको इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। आप न्यूमिनेटर वाली टर्म को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, इसके आप फैक्टर्स बनाएं तो ये जी प्लस एटा जी माइनस एटा की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि बेसिकली एटा का स्क्वायर आपके पास माइनस वन होता है और ये माइनस की फॉर्म में आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखें, अगर इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर है आपके पास, तो अगर आप यहाँ से फर्स्ट ज़ीरो निकालेंगे, फर्स्ट ज़ीरो आपका जी इक्वल्स टू माइनस एटा निकलेगा जिसका ऑर्डर आपके पास टू होगा, सेकेंड आपके पास जीरो जी इक्वल्स टू एटा निकलेगा जिसका ऑर्डर आपके पास टू होगा। अब जब आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम लगाना है तो आपको नंबर ऑफ़ जीरोस और नंबर ऑफ़ पोल चाहिए, यानी जितने ज़ीरो अकर हो रहे हैं जितने पोल अकर हो रहे हैं हमें उनकी तादाद चाहिए, ना कि नंबर ऑफ़ जीरोस पता हो कि कौन सा ज़ीरो अकर हो रहा है, हमें बेसिकली उसकी टोटल तादाद चाहिए कितनी होती है। तो आप देखें, फर्स्ट वाले का ऑर्डर टू है इसका मतलब वो टू टाइम अकर हो रहा है, सेकेंड वाले का ऑर्डर टू है इसका मतलब वो भी टू टाइम अकर हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल जीरोज़ की तादाद है वो टू प्लस टू यानी इक्वल टू फोर आ रही है। यहाँ से मैंने यही चीज़ लिखी है, दिस शो डैट देयर एग्जिस्ट डबल जीरोज एट जी इक्वल्स टू माइनस एटा एंड जी इक्वल्स टू एटा। यहाँ से पता चलता है कि डबल डबल जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर टू टू है, तो जो नंबर ऑफ़ जीरोस की तादाद होगी यानी एन नोड होगा वो आपके पास टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर रीजन भी ड्रॉ किया हुआ है, आपको यहाँ बताया हुआ है कि जी मोड इक्वल्स टू थ्री है। जो जी मोड इक्वल्स टू थ्री है बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखो तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का फॉर्म है। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है आपके पास इक्वल टू ज़ीरो है और जिसका रेडियस जो है आपके पास इक्वल टू थ्री है, यानी एक ऐसा सर्कल है जो कि आपके पास सेंटर पे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सेंटर से, रेडियस थ्री का मतलब है थ्री टाइम लेफ्ट जाना है, थ्री टाइम राइट जाना है, थ्री टाइम अपवर्ड जाना है, थ्री टाइम डाउनवर्ड जाना है। और अगर आप इन दोनों जीरोस पे गौर करें, माइनस एटा प्लस एटा माइनस एटा भी देखें इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, प्लस एटा भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों काउंट होंगे और यहाँ से नंबर ऑफ़ जीरोस की तादाद आपके पास फोर आ जाएगी।
अब नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ पोल्स निकालने हैं। पोल्स के लिए जो गिवन फंक्शन होता है उसकी आपने डिनोमिनेटर वाली टर्म को देखना होता है, उस टर्म को आप इक्वल टू जीरो रखते हो। आपने इसके नीचे वाली क्वेश्चन वाली टर्म को इक्वल टू जीरो रखा, हम इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, 3z को 2z प्लस z लिख सकते हो। अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो ये z प्लस 2 इंटू z प्लस 3 की पावर 3 बनेगा, और अगर मैं इसको सेपरेट सेपरेट कर दूँ तो z प्लस 2 की पावर 3, z प्लस 1 की पावर 3। यानी कि यहाँ से भी आपकी टोटल जो पोल हैं वो ट्रिपलेट निकल रहे हैं। पहला पोल जो है वो z इक्वल्स टू माइनस 2 है जिसका ऑर्डर आपके पास 3 है, इसी तरह सेकंड पोल z इक्वल्स टू माइनस 1 है जिसका ऑर्डर आपके पास 3 है। दोनों आपके पास ट्रिपल ट्रिपल पोल हैं, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स कहूँ आपके पास तो वो 3 + 3 इक्वल्स टू आ जाएंगे 6। अब आप लोग फिर ये चीज़ गौर करें, -2 और -1, -2 भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, -1 भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इस रीजन के अंदर आ रहा है। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे, इसमें से कोई भी स्किप नहीं होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ जीरोज़ की तादाद 4 आई थी, नंबर ऑफ़ पोल की आपके पास तादाद 6 आ गई थी। अब ये दोनों टर्म निकल गई हैं, अब इजीली हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम लगा सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में जीरोज़ और पोल्स निकालें, स्टेप नंबर 2 में आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम अप्लाई कर दोगे। ये देखिए यहाँ आपने लिखा नाउ अप्लाई प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की स्टेटमेंट आपने लिखी, आपके पास क्या होती है नंबर ऑफ़ पोल्स, नंबर ऑफ़ जीरो की जगह उसकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। जब आप नंबर ऑफ़ पोल और नंबर ऑफ़ जीरो की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, हमें बेसिकली इंटीग्रल का आंसर चाहिए, 1/2πiota था, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा -4πiota। अब देखें कितनी जल्दी कितनी सिंपल कैलकुलेशन से जीरोज़ और पोल्स निकाल के आपकी इंटीग्रल का आंसर निकल आया है। अगर आप इसको डायरेक्ट निकालते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना था और इतनी आसानी से सॉल्व भी नहीं होना था। अब नेक्स्ट आपके पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे भी देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है और क्लोज्ड इंटीग्रल है, इसका मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम लगेगा। और सर्कल बता दिया हुआ है आपको, जी मोड इक्वल्स टू पाई है, यानी ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास इक्वल टू जीरो है। यहाँ से पता चलता है सेंटर की वैल्यू जीरो है, और यहाँ से पता चलता है जो आपका रेडियस है उसकी वैल्यू आपके पास पाई है, पाई यानी कि 3.14 समथिंग है। आपको डिफरेंट इस क्वेश्चन के पार्ट्स दिए जाएंगे, हर पार्ट के लिए आपने इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम लगाना है, नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ पोल्स लगाने हैं, रीजन के अंदर चेक करने हैं कौन कौन से लाई कर रहे हैं, फिर उसके लिहाज से आपने इस पर फॉर्मूला लगा देना है। स्टेप नंबर देखें 1 में सबसे पहले जो ए पार्ट है उसके अंदर फंक्शन साइन पाई योटा दिया हुआ है। अगर फंक्शन साइन पाई योटा है, इसके भी स्टेप नंबर 1 में हम इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ और नंबर ऑफ पोल निकालेंगे। अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, देखें इस फंक्शन के क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसके क्वेश्चन में कोई टर्म एग्जिस्ट ना कर रही हो आपके पास, तो ऐसे फंक्शन का कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसके न्यूमिनेटर में आपके पास कुछ भी ना आ रहा हो, ऊपर कुछ भी ना आ रहा हो, तो ऐसे फंक्शन के आप लोगों के पास जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ इसके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो आप लोग लिखोगे कि इसके नंबर ऑफ़ पोल्स की तादाद आपके पास क्या है, जीरो। अब नेक्स्ट आपने इसके नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने, नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने के लिए ऊपर वाली चीज़ को ही इक्वल टू जीरो रखते हैं, आपने साइन पाई जी को इक्वल्स टू जीरो रखा, और साइन पाई जी इक्वल्स टू जीरो एक टर्म ये बन गई। और आपको पता है कि साइन एन पाई यानी पाई के जितने भी मल्टीपल्स की बात कर लो, साइन उस पर भी जीरो आंसर देता है। तो डैट्स वाई यहाँ से मैंने दो इक्वेशन बेसिकली कंबाइन की है, हमें अंडरस्टूड है ये बात कि साइन एन पाई भी हमेशा आपको जीरो आंसर देता है, और यहाँ से ये बात पता थी, दोनों को कंबाइन करके लिखा, तो कंबाइन करने से ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जी इक्वल्स टू एन बन जाएगा। और एन आपके पास इंटीजर्स हैं, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकते हैं। अब ये तो इन जर्नल आपके पास एन की वैल्यू निकल आई है, अब हमने देखना है इसमें से नंबर ऑफ़ जीरोस की तादाद कितनी है आपके पास टोटल। वो तादाद आप लोग इस सर्कल में देखोगे कि कौन से पॉइंट उसके अंदर लाए कर रहे हैं, जो पॉइंट उसके अंदर लाए कर रहे होंगे वो उसके नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे, जो पॉइंट उसके आउटसाइड लाए कर रहे होंगे उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमने अभी देखा था ऊपर क्वेश्चन के अंदर कि ये कैसा सर्कल है जिसका आपके पास रेडियस पाई है, यानी पाई टाइम 3.14 टाइम लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करना है। तो अगर आप देखें आप एन की जगह जीरो पुट करें तब भी उसके अंदर लाया कर रहा है, प्लस माइनस 1 पुट करें तब भी उसके अंदर लाया कर रहा होगा, प्लस माइनस 2 पुट करेंगे वो भी इससे छोटा इसके अंदर लाया कर रहा है, इसी तरह प्लस माइनस 3 पुट करेंगे वो भी इससे छोटा इसके अंदर लाया कर रहा है। लेकिन अगर आप प्लस माइनस 4 की बात करेंगे तो वो 3 से अबव चला जाता है, इसका मतलब वो कहीं आउटसाइड लाया कर रहा होगा। तो यानी आपने 4 या 4 से आगे कोई भी टर्म को नहीं इंक्लूड करना, जो टर्म आपके रीजन से छोटी थी, बाउंड्री से छोटी थी, उसके अंदर आ रही थी, वो सारी टर्म्स आपके पास तकरीबन यही वाली थी, और इन सबको आप काउंट करो तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटली आपके पास 7 नंबर ऑफ़ जीरोज़ आ जाते हैं। तो आप यहाँ से कहोगे जो आपके नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं उसकी तादाद आपके पास 7 आ गई है, नंबर ऑफ़ पोल्स की तादाद आपके पास आ गई है। आपने नंबर ऑफ़ पोल्स और नंबर ऑफ़ जीरोज़ की तादाद स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला लिखना है, उसके अंदर पुट करनी है, 2π iota वहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाना है।
इसी तरह अब आपका बी और सी पार्ट है, वो अब मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी। आप लोगों ने बेसिकली वो खुद करना है, वो क्वेश्चन नंबर टू के ए पार्ट की तरह ही है। बी पार्ट में देखें कोस पाई जी है, सेम उसी स्टेप पे आप लोग लिखोगे कि इसके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा, पोल एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद फोर जीरोस के लिए ऊपर वाली टर्म को इक्वल टू जीरो रखोगे और कोस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू। इस सीरीज में आप देखोगे कि हर पॉइंट पे आपको जीरो आंसर देता है। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन रही होगी, एक इक्वेशन ये बन रही होगी। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी, दोनों इक्वल आ जाएंगी। कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू टू एन प्लस वन ओवर टू आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन के अंदर हर पार्ट के लिए बताया हुआ है कि जो सर्कल है उसका रेडियस 3.14 है, तो आपने वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जो कि 3.14 के इक्वल हों या उससे पीछे हों। जो 3.14 से एक्सीड कर जाएगा उस पॉइंट को आपने डिस्कस नहीं करना। यहाँ पे भी एन की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक दफ़ा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। जब आप 0 पुट करोगे वो भी उसके अंदर लाया कर रहा होगा क्योंकि ये हाफ है। प्लस माइनस वन पुट करोगे वो भी अंदर लाया कर रहा होगा। प्लस माइनस टू पुट करोगे वो भी इससे छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन जब आपने एन की जगह प्लस थ्री पुट करना है तो वो आपके पास 3.15 आ जाएगा जो कि इसे एक्सीड कर जाता है। अगर वो इसे एक्सीड कर जाता है इसका मतलब ये वो सर्कल के अंदर लाया नहीं कर रहा, इसका मतलब एन इक्वल्स टू थ्री वाला पॉइंट नहीं लेना। जब आपने एन इक्वल्स टू माइनस थ्री पुट करना है वो उससे छोटा पॉइंट होगा, वो भी उसके अंदर लाया कर जाएगा। तो ये पॉइंट उसके आउटसाइड आ गए, इसको भी स्किप कर देना। और आगे भी अगर आप n इक्वल्स टू प्लस माइनस फोर पुट करोगे वो भी उसे एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब ये जो टोटल उसके नंबर ऑफ़ जीरोस बने हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6, टोटल 6 नंबर ऑफ़ जीरोस बने हैं। तो नंबर ऑफ़ जीरोस की तादाद आप लिख दोगे जो कि आपके पास 6 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग उसका फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला लगाने के बाद जब नंबर ऑफ़ जीरोस और पोल की वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर 12 पाई योटा आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपका सी पार्ट है। सी पार्ट ए और बी पार्ट दोनों को मिला के बना हुआ है। अगर आप गौर करो सी पार्ट है टेन है, टेन को आप साइन ओवर कॉस लिख सकते हो। इसके नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने के लिए ऊपर वाली चीज़ को इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा जो कि बिल्कुल ए पार्ट की तरह होगी। इसको जब आप नंबर ऑफ़ जीरोस निकालोगे इसके नंबर ऑफ़ जीरोस 7 निकलेंगे जैसे हमने ए पार्ट में किए हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है क्योंकि साइन पाई जी इंक्लूड हो रहा है। जब आपने इसके नंबर ऑफ़ पोल्स निकालने हैं नीचे वाली टर्म को इक्वल टू जीरो रखने हैं, बिल्कुल बी पार्ट की तरह होगा। जैसे अभी हमने पिछले बी पार्ट में नंबर ऑफ़ जीरोस निकाले थे तो यहाँ वो बेसिकली पोल को डिनोट कर रहे होंगे, उसकी तादाद 6 आ जाएगी। दोनों की वैल्यू निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 में जब पुट करोगे तो आपके पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा इसका।